70 बीजेपी नेताओं की टिकट कट गई, कांग्रेस बना रही मास्टर प्लान। बता दें कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव होने हैं और इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों में युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। वहीं एमपी में 65 साल या इससे ज्यादा उम्र वाले भाजपा विधायक के टिकट की दावेदारी मुश्किल में पड़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी इसकी सूची बना रही है जिसमें 60 से लेकर 70 पार नेताओं का नाम शामिल है, लेकिन ज्यादा ध्यान 65 पार नेताओं पर दिया जा रहा है क्योंकि गौरतलब है कि इनकी टिकट कट गई तो ये अलग हो जाएंगे। गौरतलब है कि हाल ही में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को काफी ऐतिहासिक जीत मिली है थी। इस जीत के बाद एमपी के सीएम को लेकर बीजेपी गठबंधन के पदाधिकारियों ने कहा था कि एमपी में भी गुजरात जैसे ही परिणाम आएंगे। वहीं से बातें भी निकल कर सामने आई थी कि बीजेपी गुजरात फॉर्मूले पर ही एमपी में नेताओं की टिकट काटेगी। बता दें कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि गुजरात का फॉर्मूला था कि 5 साल सीएम रहे विजय रूपाणी के साथ पूरा मंत्रिमंडल चुनाव से पहले बदल दिया गया और 99 सीटों पर 40% मौजूदा विधायक के टिकट काटे गए थे जिसमें बहुत सारे नेताओं शामिल थे। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक के परिवार से किसी एक सदस्य को टिकट दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 22 परिवारों को टिकट वहां पे मिला था। तो देखने वाली बात है कि एमपी में किसकी सरकार होती है। यहां तो कांग्रेस की भी ऐलान बड़ी बड़ी बताई जा रही है। आखिर में एमपी में बीजेपी सरकार आती है कि कांग्रेस की सरकार आती है, ये तो अब तय करेगी ही बीजेपी। बस इंतजार है कि 60 से 70 नेताओं के जिस तरीके से टिकट कट गए हैं इस पे बहुत ज्यादा खतरा बीजेपी पर मंडरा रहा है। तो इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं।